हेलो एवरी वन वेलकम टू सिपिका सोशल साइंस क्लासेस सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जैसे हमने लास्ट वाली वीडियोज़ में किया था कि वट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं और उसमें हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन उसका क्या रोल होता है उसकी क्या पावर्स होती हैं और वो कैसे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है लोगों का पार्टिसिपेशन क्या है और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम जो आउटकम निकलता है लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो लूजिंग पार्टी हो वो दोनों उस आउटकम को एक्सेप्ट करती हैं क्योंकि द वोट्स आर गिवन बाय द पीपल ऑफ़ अ कंट्री एंड द गवर्नमेंट इज़ चूज़न बाय द पीपल ऑफ द कंट्री तो दोनों पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ता है चाहे वो अपोजिशन पार्टी है चाहे वो रूलिंग पार्टी है कि जो भी रिजल्ट निकला है दैट शुड दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाई बोथ दार्टीज़ तो ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं हमने ये भी देखा है इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हमारे इंडिया में कैसे होते हैं तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे अगर बोला जाए कि दो पार्टीज़ हैं एक पावरफुल है और एक कम पावरफुल है तो हम खुद देखते हैं कि उसमें किसको एडवेंटेज मिल रहा है पावरफुल पार्टी को एडवेंटेज मिलेगा उसके जीतने के चांसेज कम कम नहीं होंगे उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे और क्या आपको लगता है कि अगर जैसे यहाँ पर हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं कि हर पर्सन को इलेक्शन uh, में कंटेस्ट करने का राइट right है तो क्या एक्चुअली में उनको प्रॉपर राइट right मिलता है कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सके? मिलता है बट वो प्रॉपर उनको ग्राउंड नहीं मिलता प्रॉपर uh, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती कि वो एक पावरफुल कैंडिडेट के सामने खड़े होकर लड़ सके तो आज हम इस लेक्चर में uh, मतलब पढ़ेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं फ्री और फेयर इलेक्शन की फ्री और फेयर इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है उसके बाद भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो लोगों को जो पार्टिसिपेंट्स को जो कैंडिडेट्स को जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं तो आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं चैलेंजेस और लिमिटेशन टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नंबर वन पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स कैंडिडेट एंड पार्टी विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू इन्जॉय एन अनफेवर एडवेंटेज ऑ स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कि जो पार्टीज और कैंडिडेट जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उनके जीतने के चांसेस हैं या नहीं वो श्योर नहीं है कि हम जीतेंगे या हारेंगे वो श्योरटी नहीं होती कभी भी क्योंकि ऐसा नहीं है जो पार्टी पावरफुल है जो पार्टी पैसे वाली हमेशा वही जीतेगी बट उस पार्टी के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या होता है कि वो पार्टी पैसे वाली है तो रैलीज बहुत अच्छे तरीके से निकालेगी मीटिंग्स बहुत अच्छे तरीके से करेगी आ, आ, मतलब ब्राइब देके वोट्स को खरीदने की कोशिश करेगी तो उसके पास मनी के अकॉर्डिंग अपने सपोर्टर्स को ज़्यादा लेके चलेगी क्योंकि पैसे देके भी आजकल लोग साथ साथ चलते हैं तो वो उसको एक, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है वो जो लोगों को इन्फ्लुएंस ज़्यादा तरीके से कर सकता है तो ये थोड़ा सा एडवांटेज उस पार्टी के पास होता है जो पार्टी पैसे वाली होती है और जो स्मॉल पार्टीज होती हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हो जाता है जीतने के लिए जो पार्टी ज़्यादा मनी रखती है उसकी पार्टी के थोड़े से चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है नंबर टू पॉइंट सम कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आर एबल टू सिक्योर पार्टी टिकट्स फ्रॉम मेजर पार्टीज ड्यू टू देयर पॉलिटिकल कनेक्शन आप देखिए इलेक्शन जब डेट अनाउंस होती है तो डिफरेंट डिफरेंट पीपल आते हैं अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं और वो पार्टी में जाते हैं टिकट डिमांड करते हैं कि इस बारी हमें टिकट दो तो अगर मान लो दो या तीन पर्सन गए हैं उसमें से और तो आपको क्या लगता है पार्टी किसको टिकट देगी जिसके कनेक्शंस अच्छे हों स्ट्रॉन्ग हो जो पावरफुल हो क्योंकि अगर नॉर्मल पर्सन पार्टी के टिकट लेने के लिए गया है तो कहीं ना कहीं जिस पर्सन के रिकॉर्ड अच्छे हैं जिस पर्सन के क्रिमिनल कनेक्शंस हैं और वो पर्सन क्या चाहेगा कि जो वो टिकट मुझे मिले तो कहीं ना कहीं वो पार से कहीं ना कहीं वो मनी का यूज़ करके अपनी मसल पार का यूज़ करके वो टिकट लेने की कोशिश करेगा और जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसको पार्टी की टिकट नहीं लेने देगा तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं जो पावरफुल हैं वो पार्टी की टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं और पार्टी भी उनको टिकट देती है जो पावरफुल हो ठीक है तो ये भी दूसरा प्लस पॉइंट होता है उन उन लोगों के पास जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो तो ये भी मतलब हम इसमें ये बोल सकते हैं कि फ्री और फेयर चैलेंजेस फ्री और फेयर इलेक्शन जो हो रहे हैं वो नहीं होते अगर एक कैंडिडेट जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला उसको टिकट मिल रही है और जो अच्छा कैंडिडेट है पर उसके पास कनेक्शंस नहीं है उसको टिकट नहीं मिलती है सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज अटेंडेंसी फॉर डेनेस्टिक रूल इज़ अ वेरी कॉमन मतलब आपने देखा होगा कुछ पार्टीज या कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके घर में लीडर्स रहते ही हैं जैसे अभी उसकी वाइफ ने एक इलेक्शन कंटेस्ट किए वो जीत गई फिर उसके हस्बैंड ने किए या फिर उसके आगे सन ने किए किसी बच्चे ने किए वो जीत गया तो कुछ पार्टीज़ जो होती हैं कुछ जो फैमिलीज होती हैं वो टिकट्स को होल्ड करके रखती है अपने पास रखती है तो उनमें डोनेस्टिक रूल की भी टेंडेंसी है कि पहले उसके फादर बने उससे पहले उसके उसके मतलब दादाजी हो गए फिर फादर हो गया फिर आगे उसका बेटा हो गया तो वो टिकट को जाने नहीं देती हैं क्योंकि उनके पास एक, एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है क्योंकि उनकी पार्टी उस टाइम पार में होती है तो एक्स्ट्रा एडवांटेज होने के कारण वो डोमिनेट करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में मतलब डोमिनेशन डौ, बना के चलती है इलेक्शन ऑफर ओनली लिटल चॉइस टू ऑर्डनरी सिटीज़न कई बार इलेक्शन में लोगों के पास चॉइस नहीं होती है क्योंकि चार कैंडिडेट तो आपने खड़े कर दिए पर चार कैंडिडेट की पॉलिसी एक जैसी है उनकी जो प्रोपागेंडा है उनकी जो प्रैक्टिसज हैं वो एक जैसी कर रहे हैं बहुत कम चॉइस होती है कि इसको चूज़ करें या उसको चूज़ करें क्योंकि पॉलिसीज़ अगर सेम सेम है तो बहुत डिफरेंट मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट लीडर में से चूज़ करना कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा तो ये होना चाहिए कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं तो अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स को उतार रही हैं तो कम से कम उनकी पॉलिसी में थोड़ा सा डिफरेंसेस होना चाहिए ताकि लोग जज कर पाएँ कि हमने कौन से पॉलिटिकल लीडर को चूज़ करना है स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अज डिसवेंटेज कम्पेयर टू बिगर पार्टीज़ इन टर्म ऑफ मनी पार एंड ऑर्गनाइजेशन स्पोर्ट अब जो छोटी पार्टीज़ हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके पास इस चीज़ का एडवान्टेज कभी नहीं आता जो बिगर पार्टीज़ के पास होती है क्योंकि उनके पास मनी पार होता है जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि अगर बीघर पार्टीज़ हैं उनके पास मनी को खर्च करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है मनी उनके पास ज़्यादा होता है और वो मनी की हेल्प से वोट ख़रीदने की भी कोशिश करते हैं ब्राइब दे के वोट खरीदने की कोशिश करते हैं अपने सपोर्टर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे में आओ मेरी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं लोग उस पार्टीज़ की पार्टी की तरफ इन्फ्लुएंस भी होते हैं उसके सपोर्टर भी इंक्रीज़ हो जाते हैं मनी को देखे कि ये पार्टी बड़ी पावरफुल है और उसको ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट भी मिलती है मतलब उसके कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लोग उसको सपोर्ट करते हैं बट अगर स्मॉलर पार्टीज हैं इस जगह पर हम देखा जाए उनके पास ना तो ऐसे कनेक्शंस होते हैं और ना उनके पास इतना मनी होता है कि वो इलेक्शंस में बड़ी पार्टी को टक्कर दे सके तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ी पार्टी जीत जाती है और स्मॉलर पार्टी कैपेबल होने के बावजूद भी उसको जीतने का चांस नहीं मिलता क्योंकि लोग ही लीडर को चूज़ कर रहे हैं ठीक है थीके? जो पार्टी जिस पार्टी का लीडर खड़ा होता है अगर उसको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं तो वही पार्टी जीतती है और उसी का ही लीडर चूज़ होता है तो ये सब ठीक है कि हम बोलते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं बट ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि जिसके पास मनी ज़्यादा है वो आ, इफ, आ, मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो दूसरे पर्सन को इलेक्टोरल रोल से बाहर निकाल देते हैं इलेक्टोरल रेस uh, से सॉरी इलेक्टोरल रेस से बाहर निकाल देते हैं और ख़ुद पार्टी के टिकट गेन कर लेते हैं और जो पार्टी जिसका शुरू से ही फैमिली ऐसा बैकग्राउंड चल रहा है कि लीडर्स उनकी फैमिली से ही चूज़ uh, किए जाते हैं तो वो डोमिनेट करके चलते हैं और कई बारी लोगों के पास चॉइस कम होती है कि वो कौन से लीडर को चूज़ करें क्योंकि सबकी पॉलिसी सेम होती है और जो बिगर पार्टीज होती हैं उनके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है मनी का भी और ऑर्गेनाइजेशन और सपोर्ट का भी तो इससे क्या होता है जो रियल में कैंडिडेट जो वाकई में कैपेबल है उसको चांस नहीं मिल पाता जीतने का तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन के कुछ लिमिटेशन्स हैं जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं दिस चैलेंजेस एक्सिस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन मैनी एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी बहुत सारी दूसरी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर भी ऐसा होता है कि जो पार्टी पार में होती है जिसके पास मनी ज़्यादा होता है वो अपने चांसेस बढ़ा लेती है जीतने के तो स्टूडेंट ये आपका फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आता है वट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन और वट आर द लिमिटेशन ऑफ फ्री एंड फ्री इलेक्शंस तो आपके पांच पॉइंट आप इसको इजीली नोट डाउन करके सेम एग्जाम में लिख सकते हैं और आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप सेम ऐसे ही नोट्स को कवर करते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में लिख के आते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारी दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर मीन्स आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है आई होप आपने सारी वीडियोस प्रॉपर्ली देखी होंगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर की इफ़ यू हैव नॉट सीन द इफ not gone through all the videos of this chapter so i will suggest you go through all the videos to understand the topic so that you people can easily attempt your question in the paper properly okay students thank you